13.2 से स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अगर अपन बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहला क्वेश्चन आपको बोलता है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, बोथ ऑफ देयर रेडियाई इक्वल टू वन एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। तो सर रेडियस कितना है वन, यहां से भी रेडियस कितना है वन, और हाइट कितनी है इक्वल टू रेडियस वन। आपको बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस कितना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, विच मे बी और कैन बी टेकन एज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जितना मुझे समझ में आ रहा है 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ब्रैकेट में आ रहा है एच प्लस 2r। सर r और h दोनों ही 1 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो अगर r 1 है और h भी क्या है आपके पास 1, तो सर हम किस गली जाएंगे, तो सिस्टमेटिक देखते हैं। तो सर यहां पे आपके पास क्या आ गया 1/3 पाई और ये 2+1 कितना 3, 1/3 इंटू पाई इंटू 3, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाई। सर क्या अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला सिर्फ फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं, तो मुझे तो अच्छा लगा। एक बार आप देखिए कि क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। तो सर नेक्स्ट लेवल पे देखें तो आपको 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। आपको बोल के रखा है रैशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो अपना मॉडल बना रहा है जिसके अंदर सिलेंडर है। अगर अपन बात करें सेकेंड क्वेश्चन में, और सिलेंडर के दोनों तरफ कोन है तो उसको रॉकेट शेप का दे रहे, ठीक है ना। तो सिलेंडर विथ टू कोन्स, मतलब ये पूरा सिलेंडर है और इस तरफ भी कोन है इसके, और एक इस तरफ भी क्या है कोन, तो रॉकेट शेप का ये बन जा रहा है। आपको बोल के रखा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 एंड लेंथ इज 12। तो जितना मुझे पता है कि डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर रेडियस हो जाएगा 1.5। सर डायमीटर इज 3 एंड रेडियस इज कितना, ठीक है ना। आपको बोला है इफ ईच कोन इज ऑफ लेंथ 2, तो सर टोटल लेंथ आपको देके रखी है 12। देखिए रखी है 12, यहां से आपकी 2 सेंटीमीटर की लेंथ है कोन की हाइट, यहां से भी 2 सेंटीमीटर है कोन की हाइट, और यहां से 1.5। तो सर अगर यहां से 2 सेंटीमीटर काट दू और यहां से भी 2 सेंटीमीटर काट, तो बीच में कितना बच जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहां से कितना बच जाएगा बीच में 8 बीच में कितना बच जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो सर अगर बीच में आप 8 बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल पूछा है आपसे, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो मैंने बोला यार वॉल्यूम के केस में तो इसमें सिर्फ अपने को इतना करना चाहिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपके पास, जितना मैं समझ पा रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर दोनों का एच अलग अलग है, इसका एच 1 है और इसका एच क्या है 2, बट दोनों का रेडियस सेम है। और सर क्योंकि
दोनों का रेडियस सेम है तो आप चाहें तो पाए आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू एच वन। एच वन मतलब अगर अपन बात करें तो हाइट ऑफ कोन, तो सर हाइट ऑफ कोन कितनी है 2 प्लस यहाँ पे क्या है H2। H2 मतलब क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज कितना 8। सर सिस्टमेटिक चलें अगर अपन तो पाई आर कितना है 1.5 का स्क्वायर। आर आपके पास है 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 4/3 प्लस कितना 8। 4/3 + 8 सर ये भी अच्छा हो गया। मैंने बोला हाँ 2.25 × 8 = 3 कितना हो गया 24, तो 4 + 24/3। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो इसका आंसर 2.25 × पाई की, या तो वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो और नेक्स्ट लेवल पे 22/7 × 28/3। 1 × 4 × अगर 3 से वो कट जाए तो 3.75। इन शॉर्ट 0.75 × 4 = 3 एंड 3 × 22 = 66। तो सर पहले क्या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो सर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहीं ना कहीं गुलाब जामुन के ऊपर है। वही गुलाब जामुन जो कभी हम सराफा की गलियों में खाते हैं, काले गुलाब जामुन, जो कि सर थोड़े से इस प्रकार के होते हैं। अगर अपन बात करें तो ये सिलेंडर शेप होता है और दो तरफ से हेमिस्फेरिकल हैंड बना के ऐसे गुलाब जामुन बनते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने बोला हाँ गुलाब जामुन 30, उसके अंदर शुगर सिरप है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर अपन बात करें डायमीटर गिवन है 2.8 और लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन गिवन है 5 cm। तो सर डायमीटर अगर 2.8 गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 1.4। सर यहां से 1.4 कटेगा, यहां से भी 1.4, सिमिलरली यहां से 1.4 और यहां से भी कितना 1.4। सर टोटल लेंथ अगर 5 है तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 1.4, यहां से भी आपका 1.4 और बीच में कितना हो गया 2.5 से काटोगे तो टोटल तो 5 थी, टोटल लेंथ थी 5, तो 5 में से 1.4 काटा। अब सर आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, मतलब देखो यार वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जितना मैं समझ सकता हूँ वो तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर लटके हुए, ठीक है। अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाए आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाए आर क्यूब। सर अगर पाए आर स्क्वायर ही कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा एच प्लस 4/3 आर। तो सर पाए कितना होता है 22/7 × 1.4 × 1.4। एच अगर मैं बात करूं तो एच कितना, सर एच ऑफ सिलेंडर है आपके पास कितना 2.2 प्लस 4/3 × आर, रेडियस कितना आपके पास 1.4। तो सर 1 × ये 0.2 सा जितना मैं समझ पा रहा हूँ 22 × 0.2 = 4.4। तो सर 4.4 × 1.4 और यहां से आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6.6 प्लस ये हो जाएगा 5.6 अपॉन में कितना 3। सर ठीक है, अब बताओ ऐसा एक गुलाब जामुन की 45 गुलाब जामुन, तो क्वेश्चन के अनुसार 45 गुलाब जामुन क्या 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर 45 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 45 से मल्टीप्लाई करने की बात आएगी ये 3 × 1 और ये कितना हो जाएगा 3 × 15। सर इट वुड बी 15 × किसी ने 4.4 × 1.4 कर लिया हो तो अलग बात है,
यहाँ पे तो कितना आ रहा है 6.5, 11, 12.2, तो अल्टीमेटली 4.4 इंटू 1.4 इंटू कितना 12.2। अब सर इतना तो गुलाब जामुन का वेट, वो बोल रहे हैं इसका 30% क्या लगेगा सायरप, इसका 30% क्या लगेगा सायरप। तो आपको अगर सायरप का वॉल्यूम निकालना है तो बोला है जो भी गुलाब जामुन का वेट 15 इंटू जो भी आप मल्टीप्लाई कर पाओ, चेक कर लेना आप कर पा रहे हो क्या मल्टीप्लाई, 6.16 इंटू 12.2 इंटू सायरप कितना चाहिए 30% इंटू 30 अपॉन में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा यहाँ से 2 जा 2 1 जा और ये कितना हो गया चल 6.1। तो सर जितना हम समझ पा रहे हैं फाइनल आंसर आना चाहिए 3 × 3 9 इंटू 6.16 इंटू 6.1। सर क्या ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ यार अप्रोक्स अप्रोक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शायद ये अप्रोक्स 37 या 38 के आसपास है, तो 9 × 38 अप्रोक्स अप्रोक्स अगर आप करोगे तो जितना मेरे को लगता है 37.5 के आसपास आए, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, अब पैन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो इसका मतलब क्या कि एक ऐसा पैन स्टैंड बनाया जा रहा है जो इन द शेप ऑफ क्या है क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, मतलब ऐसा पूरा सेट बना दिया और इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे खड्डे कर दिए, एक कोन के लिए समझो, दूसरे कोन के लिए, तीसरे कोन के लिए और चौथे, मतलब यहाँ पे पैन को रखा जा सके। सर ठीक है बात तो सही है, बोल के रखा है क्यूबॉइड के डायमेंशंस थे, क्यूबॉइड के तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस थे दोस्तों 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू कितना 3.5, और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन मतलब इनका रेडियस वो था 0.5, ठीक है। फिर आपसे पूछा है डेप्थ की 1.4, डेप्थ कितनी थी मतलब हाइट ऑफ ओम, ठीक है ना। आप बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, सर अगर अपन वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड बात करें तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो पूरा था ही था, प्लस अंदर का ये छेद भी होगा, हाँ कि ना। तो जितना मैं समझूं कि अगर आपको इंटायर स्टैंड के अंदर कितना आ सकता है तो अंदर तो सिर्फ कोन कोन ही आए, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर पैन आ सकती है, लेकिन अगर अपन ओवरऑल देखें कि वॉल्यूम कितना है तो आप कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन्स, क्योंकि कोन्स कट गए ना उसके अंदर से, गेटिंग इट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कितना वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन वाला हिस्सा कट गया, गेटिंग इट। एक लेवल अगर आपसे सिर्फ पूछा हो कि पेन के एरिया में कितना आ सकता है तो पेन के एरिया में वो प्लस हो जाए, क्योंकि पेन के एरिया में तो पेन वहीं पे जा रहा है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 15 इंटू 10 या 10 इंटू कर दूं तो 15 इंटू 35 माइनस 4/3 इंटू 22/7 आर कितना है 0.5 इंटू एच कितना है, तो सर कहीं ना कहीं देखो 1 जा ये आ गया 0.2 जा, ठीक है। अभी सर आपसे और बात करें तो कहीं ना कहीं 4 × 0.5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, चेक करें तो 15 × 35 कितना हुआ 350 प्लस 175 शायद 525, ठीक है ना, माइनस 1/3 इंटू 22, 4 × 0.5 करा तो 2 आ गया, तो इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2। सर ठीक है बातें तो अच्छी हैं, मैंने बोला हाँ मुझे भी लग रही है, अगर अपन देखें तो 525 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 1 माइनस और ये 22 इंटू 0.2
इज 4.4 अपॉन में 3। चेक कर लेना माइनस करके, अप्रोक्स ये हो जाएगा 1.5 के आसपास, 523.5 या 523.6 के आसपास आंसर आएगा। अगर अपन अब ऐसा लेंगे फॉर्म ऑफ इनवर्टेड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। मतलब सीधी बात है, एक वेसल एक कोन के फॉर्म में थी, ठीक है, अगर कोन के फॉर्म में थी तो अच्छी बात है, बोला इसमें पानी पूरा भरा, अगर पानी पूरा भरा हुआ था, हाइट बोल के रखी है 8, रेडियस बोल के रखा है 5, ठीक है, और बोले पूरा यहां तक का पानी भरा हुआ था इसके अंदर, कुछ लीड शॉट्स मतलब अंटिया, एक प्रकार से अंटिया ऑफ द डायमीटर ऑफ स्पेयर ऑफ द रेडियस 0.5 डाली गई और इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। इसका मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जब इसके अंदर अंटिया डाली गई, पता नहीं कितनी अंटिया, टक टक टक, तो इसका जो पानी है वो बाहर आ गया, कितना पूरा कि 1/4, तो वो पूछ रहे कितनी अंटियां डाली गई, तो बोल सकता हूँ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू एन, पता नहीं कितनी अंटियां, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जितनी अंटियां डाली गई होंगी उतना ही पानी क्या आया बाहर, तो 1/4 पानी बाहर आया है, तो 1/4 इंटू 1/3 पाए R square मतलब 5 × 5 इंटू एच कितना है 8, एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाए इंटू आर कितना है 0.5 इंटू 0.5 एंड इंटू वॉट 0.5। तो सर अगर अपन बात करें सिस्टमेटिक तरीके से तो कहीं ना कहीं दिस इज वनजा, दिस इज टूजा, ये वनजा, ये टेंजा, ये वनजा, ये टेंजा, सर ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं मैंने बोला देखो ये टू वनजा, ये कहीं ना कहीं टूजा, ये थ्री से ये थ्री भी क्या हो गया कैंसल, सर पाए से पाए भी कैंसिल हो गया, मैंने बोला हाँ पाए से पाए भी कैंसिल हो गया, सर अपन बोले 10 × 10 अपॉन में कितना 2 इज इक्वल टू एन इंटू कितना बचा है 0.5, ये वनजा ये फाइव जा ये 0.5 वनजा जगह 10 जा तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो सर कहीं ना कहीं कितनी अंटियां डाली गई तो वो आपकी आ जाएंगी कितनी 100, ठीक है। तो दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन, मैंने बोला हाँ चेक करो 0.1 × 10 हो जाएगा तो अंटियां कितनी हो जाएंगी 100, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलाएं और सिस्टमेटिक चलाएं तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब दो एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर, कहीं ना कहीं फिगर को इस तरफ नवाजा जा सकता है कि ये ऐसा सिलेंडर था, की हाइट कितनी थी 220, ठीक है, और इसी का डायमीटर था 24, तो रेडियस कितना था 12, इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर और जिसका हाइट कितनी थी 60, हाइट थी 60 और रेडियस था 8, सर ठीक है, सरमाउंट करा गया, आपको बोल के रखा है फुल विद द वॉटर, क्वेश्चन का फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ 1 cm³ इज इक्वल टू 8 ग्राम, हमने बोला मास निकालना है, मतलब पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट सिलेंडर 2 इनटू 1 cm³ इज इक्वल टू कितना बोल रखा है 8 ग्राम, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर सिलेंडर 1 का वॉल्यूम क्या होगा, जितना मुझे पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाए आर टू स्क्वायर एच टू एंड में जाके कितना हो जाएगा 8 ग्राम, तो सर पाए का तो वैल्यू 22/7 है, वो कॉमन ले लेते हैं, बड़ा आर कितना है 12 × 12 × 220, छोटा आर कितना है 8
इंटू एट इंटू सिक्सटी दिस होल इंटू कितना तो सर चाहे तो यहाँ पे 22/7 की जगह वो ले लो 3.14 या वॉट एवर आपकी जो इच्छा हो, कहीं ना कहीं इससे आपका ओवरऑल जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि 3.14 लोगे तो 3.14 इंटू 8 25 होता है अप्रोक्स, तो इट वुड बी 25, ये हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, जो भी आंसर आएगा ग्राम में आएगा, चाहो तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है क्या। अगर अपन सेवंथ क्वेश्चन भी ले ले, सर सेवंथ क्वेश्चन कैसा है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर ये देखो कोन है ना, और ये किस पे खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर, तो सर एक कोन है वो खड़ा किस पे आपके पास, एक हेमिस्फीयर पे। सर अगर अपन समझे तो राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है 120, इसका रेडियस कितना है 60, कोन का भी रेडियस कितना, हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है 60, आपको बोल के रखा है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ 60 सेंटीमीटर प्लेस्ड अपराइट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टॉप टचेस द बॉटम, मतलब इस पूरे को एक उठा के एक सिलेंडर के अंदर डाल दे, मतलब ऐसा सिलेंडर के अंदर यूं करके डाल दिया गया और सिलेंडर से बहुत सारा पानी क्या आ गया बाहर। सर देखो एक बात तो बताएं, इससे एक बात का प्रूफ हो रहा है कि सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी 180 और सिलेंडर का रेडियस भी कितना है 60, तो इस पूरे बॉक्स को उठा के आपने सिलेंडर में डाल दिया और उससे पानी बाहर आया, जो कि आपसे बोल रहे हैं ये पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर, तो बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ फिगर, वॉल्यूम ऑफ वॉट, तो ये फिगर है, तो सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर इनटू एच कितना है 180। सर फिगर का वॉल्यूम निकालना है तो मुझे बताओ फिगर में क्या क्या है। सर देखो सच्ची बात बोले तो फिगर में तो कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, मैंने बोला हाँ फिगर में तो कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर कितना है 60 इंटू 60 इंटू एच कितना है 120 प्लस हेमिस्फीयर का कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब 60 इंटू कितना 60 2/3 पाई आर क्यूब। सर दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, मेरा दिल कहता है कि 60 60 60 60 60 60 और पाई हर जगह है, तो मेरी इच्छा है पाई इंटू 60 इंटू 60 कॉमन ले लिया जाए, अंदर क्या बच जाएगा, सर यहां बच जाएगा 180 माइनस 1/3 ऑफ 120 प्लस 2/3 ऑफ व्हाट 60। तो सर अगर हम आपकी बात का रिस्पेक्ट करके भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन ऐसा चला जाएगा, इट वुड बी पाई इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 180 माइनस कितना 80, गेटिंग इट, तो सर और अच्छा हो गया 3.14 इंटू 3600 इंटू 100। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो पूरी आंसर होगा वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 314 इंटू 3600 पे कन्वर्ट हो जाएगा।